वेलकम टू माय चैनल राधेश। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रह्म कमल के बारे में। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे गार्डन में एक नहीं दो दो कली आई हुई हैं। और इस बार तो इस साल तो ऐसा था कि श्रावण के महीने में, आधिक मास में और गणेश चतुर्थी जो अभी चल रहा है, तीनों में ब्रह्म कमल जी ने कृपा किया और फूल आया। सो हम बहुत खुश हैं इस बारे में। बहुत खुशी होती है जब ऐसे फूल को देखते हैं ना, स्पेशली जब वो रात को खिलता है, एंड जो साइज़ है, जो खुशबू है, जो पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, घर की भी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो इसको बहुत केयर करती हूँ, बहुत देखती हूँ, मैं जा जाके पत्तों भी चेक करती हूँ। अरे अभी कली आने वाला है क्या? मुझे लगता है ना अभी नवरात्र में फिर आएगा कली, क्योंकि जिस हिसाब से केला खा के ना, केले का छिलका भी जैसे इसमें मैं डाल देती हूँ, उससे भी बोलते हैं खाद बहुत अच्छा हो जाता है, फूल स्पेशली बहुत अच्छी आ जाती है। और इसकी सबसे चमत्कारी बात यह है कि ये पत्तों में से पत्ता उसी में से कली आती है, जो बहुत ही अद्भुत है अपने में ही, बहुत ही चमत्कारी वाली बात है ये। और आप लोग के पास भी होगी ब्रह्मा कमल, प्लीज़ मुझे भी बताना कमेंट्स में कि आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे केयर करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और गमला था उसमें भी लगा दिया दो तीन पत्ते, ताकि वो ना उसमें भी प्रॉपर आए, ताकि ग्रोथ हो, ज़्यादा ग्रोथ हो। अब मुझसे तो कितने लोग लेके गए हैं पत्ता ले गए, उनके भी घर में कली है पत्ता, सबके वहाँ मतलब फुल खिला है, अच्छा है। कुछ मतलब ये ले सकते हो आप इसको खरीद के नहीं ला सकते हो, आप इसे चाहे ना तो किसी से, कोई आपको ऐसा कोई भी जिसके पास भी ब्रह्म कमल होगा ना, कोई भी आपको एक पत्ता दे देगा, तो उस पत्ते से लगा के ना ये ब्रह्म कमल, इसकी हाइट होती है 6 फीट, जब भी बड़ा हो जाता है ना तो 6 फीट तक जाता है। तो आप ऐसे गमले में रखिए जो प्रॉपर उसको मतलब कि उसको वैसे मिले, हवा मिले और वो ग्रोथ हो। ये देखिए शाम का पूजा हमने कर लिया, यहीं पर कर लिया, छोटा सा पूजा कर लिया। अब मैं ये ले आई अपने गनु भैया को, लक्ष्मी माता को, फूल के पास ले आई। हम के रात के समय तो तोड़ नहीं सकते थे ब्रह्म कमल जी को, तो मैं ये ले कि भैया कि बिकॉज़ ये गनु भैया को ही अर्पण था ब्रह्म कमल दोनों, तो मैंने कहा मैं ही ले चलती हूँ। और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, और सबसे अच्छी थी इसकी खुशबू। इसकी खुशबू आप, और आपको पता है कि कभी कभी अगर आपको नहीं पता चले कली कब खिल रही है, जब जिसे आपके घर में खुशबू है ना, पता चल जाएगा कि हाँ फूल खिल गई करके ऐसे। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको इस वीडियो में से क्या अच्छा लगा। अगर आपके पास और भी जानकारी है ब्रह्मा कमल का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि और कैसे अच्छे से इसको देख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल राधेश।